सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे दुबई एक ऐसे वीरान शहर से, कैसे ऐसे चहल पहल वाला शहर बना, कैसे उसको डेवलप किया गया, खुद में ही एक अजूबा है। अगर हम 90s में जाएं तो दुबई एक ऐसा वीरान शहर था जिसकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं थी। वो महज इस्तेमाल किया जाता था जो लोग फिशिंग करने के लिए आते थे, और जो मछेरे जिनको रात हो जाती थी वो लोग, इस पूरे शहर में एक ही बिल्डिंग मौजूद थी जो कि ट्रेड सेंटर की थी, और वहां पे लोग कई दफा रात गुजारा करते थे जिनको रात हो जाती थी। फिर एरा आया शेख राशिद अल मखदूम का, जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल डाला। 90s की दहाई में इस शहर से तेल बरामद हुआ है, जिसके बाद दुबई की किस्मत ही बदल गई। जब उन्होंने ऑयल निकालना वहां से शुरू किया, ऑयल के साथ ट्रेड करना शुरू किया, तो शेख राशिद अल मखदूम के वो पहले अल्फाज थे जिसने कहा था कि मैं सिर्फ दुबई को एक वीरान शहर नहीं छोड़ूंगा बल्कि इसको दुनिया का नंबर 1 सिटी बनाओ। तो देखते ही देखते शेख राशिद अल मखदूम ने पूरे शहर को टूरिज्म का शहर बना दिया, और उसने सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट नहीं छोड़ा बल्कि अभी भी अगर आप दुबई को देखें तो अपनी ट्रेड की वजह से जाना जाता है और टूरिज्म की वजह से जाना जाता है। और वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा बनाया गया उससे उसकी वैल्यू में और भी इंक्रीज आया, और उसके बाद शेख राशिद जो है वो अभी इस बिल्डिंग को, बुर्ज खलीफा को देख देख के बहुत ज़्यादा बोर हो गए, लिहाजा वो अभी एक ऐसा टावर बनाने जा रहे हैं जो कि इससे भी कई गुना बड़ा हो, और ऐसे उनके और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दुबई को और ज़्यादा फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे, जिनमें पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और दुबई वाहिद ऐसा शहर है जिसमें बाहर से लोग, दूसरे मुल्कों से लोग अपने जॉब्स के सिलसिले में भी वहाँ पर आते हैं, और आपको जॉब्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग वहाँ की पुलिस की बात करें तो वहाँ पर दुबई की पुलिस जो है इतनी ही वेल इक्विप्ड और एडवांस्ड है, जिसमें जदीद तरीन गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है जो कि लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे पुलिस उनको चेजिंग के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे बुगाटी वेरियन, फेरारी और साइबर ट्रक भी अभी उन्होंने अपनी स्क्वाड में शामिल कर ली है। सो इससे आप जान सकते हैं कि दुबई कैसा पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है इकॉनमी के लिहाज। अब सब लोगों के जहन में यही आ रहा होगा कि दुबई एक कंट्री है, बल्कि दुबई एक कंट्री नहीं है, सब लोगों की एक कंफ्यूजन है। दुबई एक शहर है जो कि मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई का एक शहर है, जिस तरह शारजा, फुजेरा और अबू धाबी ये सारे यूएई के शहर हैं। गुज़िश्ता 40 सालों में जैसे ही शेख राशिद का एरा शुरू हुआ, उन्होंने दुबई को चेंज कर डाला, और आगे और भी ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिनमें दुबई 2090 की ज़िंदगी जिएगा। सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आज की, दुबई का एरा आपको कैसा लगा, क्या दुबई आगे इससे भी ज़्यादा और तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, लव।